हेलो। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार बोल रहा हूँ। आप पूजा हैं? जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। आप पूजा हैं? जी सर। आप सासाराम में पोस्टेड हैं बेटा? जी सर। तो मैंने न्यूज में पढ़ा और देखा भी कि आप 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के धूप में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है उतने छोटे बच्चे को लेकर? ड्यूटी तो आप कर रहे हैं, बहुत सर मेहनत कर रही हैं, हम हाँ बहुत खुश हुए, लेकिन उतने छोटे बच्चे को बेटा धूप में गोद में लेकर के खड़ा होकर के इतना कड़ा ड्यूटी करना, क्या मजबूरी है आपकी? सर, कोई मजबूरी नहीं है, लोग रहते हैं मेरे पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग किसी काम से चले गए थे, तो अच्छा, इसीलिए मेरे पास अभी कोई नहीं थे, तो तो बच्चे को। बेटा जी सर। अब बेटा उतने छोटे बच्चे को लेकर के मत जाइएगा और घर में उसको रखिए। दूसरे लोगों को आपने उसने देखा, आपको काफी मेहनत कर रही थी, लोगों को समझा भी रही जी थी, सर। ड्यूटी भी कर रही थी, और उतने छोटे बच्चे को धूप में लेकर के खड़ा हमको बहुत ठीक नहीं लगा। बच्चा है ना धूप में, और इन्फेक्शन का भी डर रहता है बच्चे को लेकर बाहर निकलना। अभी ठीक नहीं। अच्छा, लॉकडाउन वहाँ कैसा चल रहा है पूजा? तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग नहीं चलते हैं सड़क पे, हम लोग अच्छे से ड्यूटी करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप डिस्टेंस बना कर चलिए। तो बेटा ये तो आपको मालूम है ना कि सासाराम में थोड़ा समस्या ज्यादा हो जी गई सर। है, बहुत सतर्क रहने की, ये सब पता है ना आपको? हाँ सर, पता है, अच्छा, वो आपका बेटा, कितने बच्चे हैं आपके बाबू? एक ही अच्छा ठीक है। और आप रहते हैं सासाराम में ही, सर। हाँ सर, सासाराम में रहते हैं, और पति कहाँ रहते हैं? नालंदा में रहते हैं सर, अच्छा, वो भी पुलिस फोर्स में है? पुलिस फोर्स में नहीं है सर। अच्छा ठीक है। तो कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है, कोई कोई कष्ट प्रकार नहीं का है कोई? दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो पुलिस मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाइएगा तो हम जी तक पहुंच सर। जाएगी। और हम बहुत हमको गर्व है बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों पर, जो इस कठिन परिस्थिति में, इस कड़ी धूप में 24 घंटा काम कर रही हैं। आप जैसे लोगों पर हमको बहुत ही गर्व है, ये बहुत ही शान की बात है बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने 35% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया, और लोगों को लगता था महिलाएं पुलिस में कैसे करेंगी क्या करेंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने काम से साबित किया कि आप पुरुषों से कम नहीं है बल्कि बेहतर कर रही हैं। तो मैं आपको केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फोन किया है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक ठीक है? सर, ठीक सर, थैंक यू और सर। ड्यूटी पूरा जम करके करना है, मेहनत करना है, गरीब बीमार लाचार ये जो हो जी उनका सर, बहुत जी ख्याल सर। रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि रोजा शुरू हो गया है, रमजान का महीना है, रोजेदार निकलेंगे उनको हम अलग से अपील कर रहे हैं, कोई समूह बनाकर जत्था बनाकर के ना निकले, लेकिन अपने काम से सरकारी नियम कानून के तहत अगर निकलेंगे तो किसी रोजेदार के साथ कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए, किसी की पिटाई ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जी जाए, इस सर, सब जी पर सर, भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? जी सर, और बाकी खूब मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से, और बहुत बहुत आपको बधाई भी है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं। जी ठीक है सर, पूजा, जय ठीक है सर, जय हिंद सर। हिंद। सर आपका फोन आया क्या? हाँ, आज मेरे पास डीजीपी सर का फोन आया है। मैं दो छोटे कर्मचारी सिपाही हूँ, महिला सिपाही, मेरे पास में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे इस पुलिस कर्मचारी के सबसे बड़े पदाधिकारी एक महिला सिपाही से बात किए हैं और हमारी हाल चाल पूछे हैं, कैसे हैं आप। आपको गर्व हो रहा है, गर्व के हाँ, साथ? बहुत हमें गर्व हो रहा है कि हमें हमारे सेना के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी एक महिला सिपाही से बात किए हैं।